हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फॉर 22nd of January 2020। हम चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ पे, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूज़ नंबर वन, गुजरात ने रैंक किया नंबर वन फॉर वाटर एफिशिएंसी और दिल्ली वर्स्ट परफॉर्मेंस में रहा। एक जो लिस्ट आई है इसमें पता है कैसे इंडिया की सारी स्टेट्स जो वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करना है उसमें कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो गुजरात यहाँ पर रैंक किया है बेस्ट अपने सारे पैरामीटर्स में। और उसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यहाँ पर सबसे लो रैंक पे है, ये बताया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। तो जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसने रिसीव किया टॉप स्पॉट अमंग दी 7 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से सर्वे ऑफ इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा जो इंडिया की एक स्टेट है तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है चेन्नई, तमिलनाडु यहाँ पर सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है तमिलनाडु स्टेट ने। आपको पता है पिछले साल तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, स्पेशली चेन्नई में वाटर की। तो उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिफॉर्म्स लेकर आए हैं पानी को बचाने के लिए। नेक्स्ट चीज़, सेकंड न्यूज़, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी को अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो अब वो सेकेंड इन कमांड हो गए इंडियन आर्मी के। तो इंडियन आर्मी के सदरन कमांड के चीफ, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी, अब वो सेकेंड इन कमांड हो गए इंडियन आर्मी के। और वो अपनी पोस्ट संभालेंगे रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, मतलब कि 25th of January को। जो ये पोस्ट थी ये खाली होगी जब लेफ्टिनेंट जनरल एमएम नरावने को एलिवेट कर दिया टू द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो तो जो पहले यहाँ पर पोस्ट पे थे अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। अगर मैं थोड़ी बात करें लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी के बारे में, तो वो पढ़े हुए हैं एक स्कूल जिसका नाम है सैनिक स्कूल कपूरथला से, और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन करी नेशनल डिफेंस अकेडमी। लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी है वो कमीशन हुए थे जाट रेजिमेंट में जून 1981 में। अगली चीज़, नेक्स्ट थर्ड न्यूज़, सेंटर ने प्लान किया कि वो कट करेंगे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल एंड फूड बाय 20%, जिससे कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं फिजिकल डेफिसिट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि जो गवर्नमेंट के अंदर फूड और ट्रैवल पे जो खर्चा हो रहा है उसको कम से कम उसको कम करें, ताकि जो टोटल वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको 20% से कम किया जा सके। ये डिसाइड किया एक कमेटी, जो कि कैबिनेट कमेटी मीटिंग थी उसमें डिसाइड किया गया, और इसको चेयर कर रहे थे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स की। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी पैसा कमाएगी वो पैसा यहाँ पर डालेंगे, और इसी बॉक्स से जब उनको पैसा चाहिए होगा वो यहाँ से पैसा ले लेंगे। अगर ऐसा किसी दिन हो गया कि यहाँ पर बिल्कुल पैसा खत्म हो गया, तो उनको किसी और बॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर कोई और बॉक्स यूज़ करना पड़ गया, तो यहाँ पर जो हमारी कंट्री गवर्नमेंट है वो एक फिजिकल डेफिसिट पे आ गई। ये बॉक्स कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा थोड़ा पैसा होना चाहिए। अगर यहाँ पर पैसा खत्म होता है तब गवर्नमेंट इसको खर्च नहीं कर पाएगी और अपने आगे के प्लान्स नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट चीज़, फोर्थ न्यूज़, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने कंक्लूड करी अपनी विजिट टू आइलैंड नेशन श्रीलंका। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्षा से कोलंबो में मिले और डिस्कस किए काफ़ी सारे बायलेटरल इश्यूज़। इसके अलावा जैसे आपको बताया इंडिया ने प्लेज किया कि इंडिया $50 million की सिक्योरिटी असिस्टेंस देगा श्रीलंका को, जिसके अंदर श्रीलंका इंडिया से जो सिक्योरिटी फोर्सेज और डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा। यहाँ पर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पोस्ट है NSA की पोस्ट, असल में करते क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का काम क्या होता है। तो एक सीनियर ऑफिशियल होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में, और ये चीफ एडवाइज़र होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई भी डिफेंस रिलेटेड एडवाइस होती है यही देते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। अजीत डोवाल इस टाइम पर हमारी कंट्री के NSA, और इनके पास एक अलग स्टेचर है कि ये जो एक यूनियन मिनिस्टर होता है उन्हीं के लेवल का जो स्टेटस है वो इन्जॉय करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ न्यूज़, अर्जुन मुंडा को इलेक्ट किया गया एज प्रेजिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो न्यू प्रेजिडेंट है उनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो उनको सपोर्ट था फॉर्मर AAI प्रेजिडेंट जिनका नाम था विजय कुमार मल्होत्रा से, जिसकी वजह से बहुत ईजी था उनके लिए ये इलेक्शन जीतना। जो उनका सारा पैनल था उनको यहाँ मेजॉरिटी मिली। टोटल 31 स्टेट और UT एसोसिएशन यहाँ पार्ट लिया था, तो टोटल 31 है जिसमें से सिर्फ 26 ने यहाँ पार्ट लिया था और सबके पास 2 वोट्स थे। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये नेशनल गवर्निंग बॉडी है आर्चरी की हमारी कंट्री में। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में, और इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट है अर्जुन मुंडा। अगली चीज़, सिक्स्थ न्यूज़, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया 3500 किलोमीटर रेंज की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है K4।
तो इंडिया ने सक्सेसफुली 3500 किलोमीटर की रेंज की K4 को फायर किया। जो ये टेस्ट था इसको DRDO कंडक्ट कर रहा था, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये किया गया विशाखापट्टनम कोस्ट के पास जो कि आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश स्टेट में। इस टेस्ट से इंडिया एक और स्टेप आगे चला गया, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लान है कि हमारी एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत, उसके साथ जो मिसाइल सिस्टम जो वो भी सारे न्यूक्लियर पावर होने चाहिए। ये इंडिया का प्लान है और अभी ये पॉसिबल होता दिख रहा है। इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया है आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अब आ गई है। लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीडियो, सेवन्थ न्यूज, अपॉइंटमेंट कैटेगरी की न्यूज है। JP नड्डा को इलेक्ट किया गया है अनअपोज एज 11th BJP नेशनल प्रेसिडेंट। तो जगत प्रसाद नड्डा 11वें नेशनल प्रेसिडेंट बने भारतीय जनता पार्टी के। ये हुआ 20th of January 2020 को। JP नड्डा सिर्फ एक लौते कैंडिडेट थे इस पोस्ट के लिए, तो उनकी नॉमिनेशन बहुत ईजी थी और उनकी नॉमिनेशन हुई हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, जहां BJP के हेडक्वार्टर्स हैं। उन्होंने सक्सीड किया, मतलब इससे पहले इस पोस्ट पे थे अमित शाह, जिन्होंने 5.5 ईयर्स के लिए इस पोस्ट को संभाला। आपको पता होना चाहिए कि JP नड्डा उनका करियर कैसा था, वो पॉलिटिशियन कैसे थे। तो जगत प्रसाद नड्डा इससे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे और उन्होंने सर्व किया था एज वर्किंग प्रेजिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी सिंस जून 2019, जब जो पिछले प्रेसिडेंट थे अमित शाह वो यूनियन कैबिनेट में चले गए और ये पोजीशन वेकेंट हो गई थी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपने काफ़ी कुछ सीखा इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को रोज बनाता हूँ, कोशिश करें रेगुलरली इस वीडियो को फॉलो करने की, आपकी काफ़ी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।